गाइस वेलकम टू इंडियन टॉक। आज अपन बात करने वाले हैं आज ही लॉन्च हुई 2018 टाटा टिगोर के बारे में। गाइस इंडियन मार्केट में नई 2018 टिगोर जो है लॉन्च कर दी गई है, प्राइस रिवील्ड कर दी गई है, क्या क्या चेंजेस हुए इस नई गाड़ी के अंदर, एक्सटीरियर में, इंटीरियर में, स्पेसिफिकेशंस में, सेफ्टी फीचर्स में, न्यू फीचर्स, सभी चीज़ों के बारे में जो है आगे वीडियो में मैं आपके साथ में डिटेल में बात करने वाला हूँ। और एक एक नए नए फीचर जो भी इस गाड़ी के अंदर एड हुए हैं उन सभी के बारे में जो है आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सटीरियर से। आज बात कर लेते हैं एक्सटीरियर में जो चेंजेस हुए हैं उनकी। तो यहाँ पे अपने को सबसे पहला चेंज जो देखने को मिलता है वो डायमंड कट फ्रंट ग्रिल, जहाँ पे बहुत सारा क्रोम का यूज़ किया गया है। न्यूली लॉन्च्ड 2018 टिगोर के अंदर जो बम्पर है वो पूरी तरीके से न्यूली डिजाइंड है। फॉग लैम्प की हाउसिंग के अंदर जो है क्रोम का यूज़ किया गया है और हाउसिंग जो है काफ़ी अच्छी बोल्ड लुक और स्पोर्टी जो है दिख रही है। क्रोम लाइन डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। स्टाइलिश 15 इंच के ड्यूल टोन एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पे स्पार्कलिंग प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं जो कि नाइट विजन जो है इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा कर देंगे। यानी कि अगर आप नाइट में गाड़ी के साथ में अगर जर्नी करते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, आपकी जर्नी जो है काफ़ी अच्छी होने वाली है। यहाँ पे जो है क्रिस्टल इंस्पायर्ड LED टेल लैम्प का यूज़ किया गया है गाड़ी के अंदर जो कि इस गाड़ी को प्रीमियम लुक देता है। रूफ स्पॉइलर विद LED स्टॉप लैम्प के साथ में मिल जाता है, यानी कि जो रूफ है उसके अंदर ही आपको जो है स्टॉप लैम्प इंटीग्रेटेड मिलता है। और गौर से देखिए इस रूफ को, इस रूफ स्पॉइलर को, यहाँ पे जो है पूरा ब्लैक कलर के अंदर आपको जो है ये मिलता है। साथ ही यहाँ पे अब जो है शार्क फिन एंटीना भी जो है गाड़ी के अंदर दिया गया है जो कि पूरा ब्लैकआउट ट्रीटमेंट के साथ में जो है आता है। अब आ जाते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। यहाँ पे जो है आपको काफी अच्छा ब्लैक और ग्रे कलर की थीम पे प्रीमियम इंटीरियर देखने को मिलता है जो देखने में काफी अच्छा और प्रीमियम लगता है। सिंपल सोबर डिजाइन रखी गई है जो कि देखने में काफी रिच फील करवाती है। साथ ही जो केबिन है वो पूरा स्पेशियस है, मतलब कहीं पे भी स्पेस की आपको कमी फील नहीं होगी। नी रूम, लेग रूम, हेड रूम, सभी जगह काफी अच्छी स्पेस आपको मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पे जो है यूटिलिटी स्पेस भी कई जगह दिए हुए हैं, मतलब डोर्स पे आपको सेंटर कंसोल में जहाँ पे आप अपने छोटे मोटे सामान को जो है फिट कर सकते हैं, रख सकते हैं। साथ ही अगर रियर सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पे टाइटेनियम कलर फॉक्स लेदर सीट्स दी हुई है। साथ ही यहाँ पे जो है आर्म रेस्ट भी दिया गया है जिससे आप अपनी ड्राइविंग को जो है और ड्राइविंग जर्नी को जो है वो उसको आप कंफर्टेबली जो है कंप्लीट कर सकते हैं। कंफर्ट और कन्वीनियंस की बात करूं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। साथ ही जो ड्राइवर सीट है वो हाइट एडजस्टेबल आपको देखने को मिल जाती है। जो बूट स्पेस है वो क्लास लीडिंग सबसे अच्छा है, 419 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs आपको देखने को इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। साथ ही कूल्ड ग्लोव बॉक्स भी आपको देखने को मिल जाता है जिसमें आप अपना कुछ सामान जो है खाने पीने का रख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तो यहाँ पे आपको ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पे ABS with EBD जो है वो ऑफर किया गया इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। साथ ही गाड़ी की जो चेसी है वो काफी स्ट्रॉन्ग और AC बनाई गई है कि जब इंपैक्ट होता है गाड़ी की चेसी पे सारा इंपैक्ट जाए और अंदर बैठे हुए पैसेंजर पे कोई इंपैक्ट नहीं आए। रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ में आपको जो है देखने को मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको सेगमेंट में सबसे बड़ी टच स्क्रीन देखने को मिलती है। 7 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हार्मन गार्डियन से लिया गया वो आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें 8 स्पीकर जो है इंटीग्रेटेड करे गए हैं। साथ ही गाड़ी के अंदर जो है आपको पूरे कंट्रोल जो म्यूजिक सिस्टम है, वॉइस कंट्रोल वगैरह जो है आपको स्टेयरिंग व्हील्स पे जो है मिल जाएगा। तो ये कंफर्ट और कन्वीनियंस वगैरह इंफोटेनमेंट सिस्टम से पूरी गाड़ी लेस है, आपको कहीं भी किसी भी चीज़ की कमी फील नहीं होगी। तो अगर गाड़ी की प्राइसिंग की तो जो स्टार्ट होती है 520,000 रुपीज के पेट्रोल XE वेरिएंट से हो जाती है, टॉप ऑफ द लाइन XZ प्लस यानी कि डीजल का वेरिएंट जो है 7,38,000 रुपीज तक। गाइस अगर बात करूँ स्पेक्स की तो यहाँ पे 2018 टाटा टिगोर जो है पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में अवेलेबल है। पेट्रोल में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 3 सिलेंडर इंजन है जो प्रोड्यूस कर रहा है 85 PS की पावर, 140 Nm ऑफ टॉर्क के साथ में। इस गाड़ी के अंदर आपको 5 स्पीड का मैनुअल और 5 स्पीड का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स जो है अवेलेबल है। डीजल की बात करूँ तो 1 लीटर का 3 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 70 PS की पावर, 140 Nm ऑफ टॉर्क के साथ में। और इस इंजन के साथ में सिर्फ सिंगल 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स जो है अवेलेबल है। माइलेज की अगर बात करूँ तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल में 23.87 kmpl का माइलेज क्लेम किया गया है, डीजल में अगर बात करूं तो 27.28 kmpl का माइलेज जो है कंपनी ने क्लेम किया है। बात करूं अगर गाड़ी के कलर्स की तो नई 2018 न्यूली लॉन्च टाटा टिगोर ब्लू, सिल्वर, रेड, व्हाइट, ग्रे, ब्राउन कलर के अंदर अवेलेबल है जो कि देखने में काफ़ी अच्छे और अट्रैक्टिव और प्रीमियम लगते हैं। मुझे पर्सनली ये गाड़ी काफ़ी स्पोर्टी फील देती है, स्पोर्टी अपील देती है। ये एक कंप्लीट पैकेज लगता है जिस प्राइस में इस गाड़ी को लॉन्च किया है, मतलब इसको चलाने में, इसको देखने में, इसको फील करने में, इसको राइड करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। गाइस ये थी कंप्लीट डिटेल 2018 टाटा टिगोर के बारे में। गाइस आज ही लॉन्च हुई ये गाड़ी, मैंने आपको सभी डिटेल जो है दे दी है, इसकी प्राइस, इसके फीचर, इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, सेफ्टी फीचर्स में जो भी चेंजेस हुए थे मैंने सभी आपके साथ में डिस्कस
डिस्कस कर लिया। आई होप डिटेल आपके काम में आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही सब्सक्राइब कर देना इंडियन टॉक चैनल को, क्योंकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ऐसी न्यूज रिव्यूज कंपैरिजन वाली वीडियो हम लोग रोज यहाँ पर ऐसे लेके आते रहते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट ऑटोमोबाइल से रिलेटेड तो आप हमारे ऑफिशियल फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर आके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कमेंट में आप जो है क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हैं, पर्सनली आके मैसेज कर सकते हैं और आपके कुछ भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज जो है सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। सी यू टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।